जयपुर में इंसाफ की मांग को लेकर बीकानेर में 45 दिन तक अनशन पर रही महिला शिक्षक सुरेंद्र कौर को जब न्याय नहीं मिला तो वह अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर बीकानेर से ही पैदल जयपुर के लिए रवाना हो गई। 11 दिन में बीकानेर से करीब 350 किलोमीटर पैदल सफर कर महिला जयपुर तो पहुंच गई, लेकिन उसकी सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं हो पाई। महिला का कहना है कि उसकी मांग को पूरा किया जाए और उसे इंसाफ दिलाया जाए। सुरेंद्र कौर का कहना है कि मुख्यमंत्री के अधिकारियों से उसकी मुलाकात करवा दी गई है। उन्हें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री कोरोना के चलते अभी लोगों से सीधे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इस शिक्षिका का कहना है कि उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है और इंसाफ चाहिए। अगले 2 दिनों में उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो वह जयपुर से 3 बच्चों को लेकर पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी और वहां पर प्रधानमंत्री से अपनी गुहार लगाएगी। दरअसल सुरेंद्र कौर सरकारी स्कूल में तृतीय श्रेणी की टीचर है। उसने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र कौर का कहना है कि प्रधानाध्यापक ने उसको धक्का दिया, उसके साथ मारपीट कर दुर्व्यवहार किया। सुरेंद्र कौर का ये भी आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने गलत तरीके से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बनाकर देना चाहा। उसने प्रधानाध्यापक की इस गैर कानूनी कार्रवाई में मदद करने से इनकार कर दिया। इस पर प्रधानाध्यापक उसके साथ में दुर्व्यवहार किया और धक्का मार दिया। उसके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ मांगने के लिए सुरेंद्र कौर बीकानेर में ही 45 दिन तक धरने पर बैठी रही और अनशन किया। जब वहां पर उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसने अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर बीकानेर से पैदल जयपुर के लिए रवाना हो गई।